हमीरपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। मृतक शंभुदयाल उम्र 28 वर्ष पिता लल्लू वर्मा निवासी भरखरी हमीरपुर। मृतक ने अपने ही घर पर बांस में रस्सी बांधकर खुद को लटका लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात्रि की है। जब सुबह मृतक का बेटा जगा तो पिता को इस अवस्था में देखकर डर के चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागा। जब आकर परिजनों ने देखा तो फांसी में लटकता शव मिला। मृतक को देखकर परिवार ने कोहराम मच गया। मृतक की शादी 10 वर्ष पहले बिगहना गाँव में हुई थी, जिससे मृतक अपने पीछे 3 मासूम बच्चों में पुत्र रोहन 5 वर्ष, पुत्री चांशी 3 वर्ष, पुत्री नैंशी 2 वर्ष को बिलखत्ता छोड़ गया। मृतक की पत्नी वर्तमान में गर्भ से थी, जो अपने माता पिता के पास गांव में थी। पति की इस घटना को सुनते ही मदहोश अवस्था में बेहोश हो गिरी। घटना की जानकारी थाना बिवार को मिलते ही हल्का इंचार्ज ने आकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर भेज दिया। घटना का सही कारण का खुलासा नहीं हो सका। जो मृतक है उनके आप कौन है? छोटे भाई। अच्छा, क्या कारण है, कैसे खत्म हो गए आपके भाई? हमको पता नहीं, खाना ना खाया है और लेटने चले गए रात को, पता नहीं कैसा। क्या नाम है आपका? रमाकांत नाम है। मृतक के कौन है आप? मृतक के बड़े भाई है। अच्छा, ये जो घटना घटी है इसका क्या कारण है? ये शाम को खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेट गया है। इसके साथ में इसका बच्चा था 5 साल का, वो भी लेट गया है। और खाना खाने के लेटने के बाद फिर पता नहीं किस कारण से क्या हो गया इसका, पता नहीं कैसे फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद ही जनपद हमीरपुर।